हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। चलो देखते हैं आज के दिन में क्या सेशन, हमें कौन सा रेंज, हमें ब्रेकआउट रेंज हमें देखो मिला है बैंक निफ्टी में। अगर देखोगे तो ये आपका एक रेंज आपका बन के आ रहा था बैंक निफ्टी का, एक आपको एक अच्छा खासा रेंज बन के आया है, जो कि रेंज उस रेंज का आज के टाइम पे थोड़ा सा इससे आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको गैप, थोड़ा सा ब्रेकआउट का लेवल आप लोगों को यहाँ से दिखेगा। बस ज्यादा का ब्रेकआउट नहीं, थोड़ा सा ही आपको यहाँ से ब्रेकआउट वाला लेवल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ बैंक निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात करूँ, तो क्लोजिंग अगर देखोगे तो आपका जो जो प्रीवियस जो हाई बना हुआ था, जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, उसी के आसपास की क्लोजिंग है। तो थोड़ा सा जो अभी आपकी जो क्लोजिंग यहाँ से निकल कर रही, थोड़ा सा आपका एक डिफिकल्ट क्लोजिंग आप लोगों के यहाँ से निकल के आ रही है। तो इसके लिए हम लोग जो भी हमारा जो वेडनेसडे का सेशन, जो कि कल तो मार्केट बंद है, तो वेडनेसडे के सेशन में हम लोग एक प्लानिंग करके चलेंगे कि मार्केट को हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि मार्केट वेडनेसडे वाले सेशन थोड़ा सा गैप अप, थोड़ा सा हमें यहाँ पे गैप अप, थोड़ा सा ओपनिंग दे। गैप अप ओपनिंग मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं इसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोगों को लेकर चलूंगा, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मार्केट वेडनेसडे वाले सेशन में गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो मार्केट अगर देखो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ से एक रैली के साथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक इंट्राडे टाइम फ्रेम पर अगर देख चेक करोगे तो यहाँ पे एक रैली के साथ, एक सिंगल रैली के साथ एक आपको निगेटिव कैंडल मिली है, बाकी सब आपकी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। यहाँ से आपके ज्यादा चांसेस क्या निकल के आते, और जो जो कि आपके वेडनेसडे वाले सेशन में बहुत लोग यहाँ से कॉल को होल्ड करके गए हुए होंगे, और यहाँ से पुट को भी सेल करके बहुत लोग गए होंगे उनके टारगेट्स के लिए, वहां के उनके टारगेट्स कहाँ पे आने चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर अगर कल जो प्रीवियस सेशन है, जो कि यहाँ से मार्केट जहाँ से ओवरऑल गिरा था, जो कि आपका 41,785 के आसपास का जो लेवल है, और इस लेवल के अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप लोगों को लेकर चलूँ, जो प्रीवियस जो सेशन था मार्केट, जहाँ से एक प्रीवियस सेशन में मार्केट यहाँ से थोड़ा सा आपको गिरता हुआ दिखा है, तो इस लेवल के अगर मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दे रहा है, जो कि आपका लेवल निकल के आ रहा है 41,847 के आसपास का, अगर इस लेवल के मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दे रहा है इस लेवल के ऊपर, तो एक डेफिनेटली आपके एक रेंज में क्या होने वाला है, एक यहाँ से एक प्रॉफिट सेलिंग आप लोगों की एक ऊपरी लेवल से आने वाली है। क्योंकि जितने भी कॉल को होल्ड करके गए होंगे, और जितने भी यहाँ से अपनी क्वांटिटी को जो भी सेल करके गए होंगे, पुट राइटर्स जितने भी यहाँ पे सेल करके गए होंगे, तो वो लोग अपना एक उनके पीएनएल में एक अच्छा खासा एक यूज प्रॉफिट उन्हें शो होगा। तो मार्केट में यहाँ पे क्या होगा, एक आपको पैनिक सेलिंग यहाँ से देखने को मिलेगी, फिर से दोबारा जब मार्केट इस रेंज के आसपास आता है, जो जो कि आपका रेंज बन गया, जहाँ की आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी है 41,686 के आसपास, तो यहाँ से हम लोग एक रिजेक्शन वाला कैंडल खोजेंगे, जो कि आपको एक रिजेक्शन वाला कैंडल ये वाला आपको दिख रहा है। इसी तरह का कुछ इंट्राडे के टाइम फ्रेम में हम लोग एक कैंडल्स को हैमर टाइप का कैंडल्स खोजने की कोशिश करेंगे। अगर हमें इस लेवल के आसपास के हैमर टाइप का कैंडल्स मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल के पोजिशन के लिए लेके जाएंगे, जो कि आपको कॉल का होना चाहिए 41,500 का, या तो कॉल लेकर के जा सकते हो, नहीं तो फिर 41,400 के आसपास का आप यहाँ से एक कॉल के लिए लेकर के जा सकते हो, जो कि आपके टारगेट्स थोड़ा सा आपके बड़े टारगेट्स निकल के आते हैं, जो कि हम लोग इंटरडे के टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे। अगर इंटरडे के टाइम फ्रेम अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट, तो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर अगर मैं सीपीआर इंडिकेटर्स को अप्लाई करता हूँ, तो सीपीआर में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सीपीआर में हमें यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट में हमारे नेक्स्ट टारगेट्स कहाँ तक हमारे निकल के आते हैं, जो कि अगर आपके टारगेट्स यहाँ के एक अच्छा खासा यूज टारगेट आपको 42,000 के लेवल के आसपास का, यहाँ से आपको सीपीआर के लेवल से हम लोग को यहाँ पे पता चलने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट अगर इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट ये एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देता है, एक बड़ा गैप अप ओपनिंग, या तो 42,000 के लेवल के आसपास का गैप अप अगर मार्केट ओपनिंग दे रहा है, तो हम लोग यहाँ से कॉल की पोजीशन के लिए नहीं, मैं यहाँ से प्रेफर नहीं करूंगा। मैं अगर कॉल की पोजीशन के लिए यहाँ से प्रेफर भी करूँ, तो मैं अपनी जो भी जितने भी क्वांटिटी मैं यहाँ से लेकर के जाना चाहूंगा, वो मैं आप क्वांटिटी को 25% या फिर 75% ही मैं यहाँ से लेकर के जाने के लिए कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे ज्यादा चांसेस क्या क्या ढूंढूंगा, मैं यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग वाला एक सिनेरियो मैं से खोजूंगा, जो एक मार्केट आपको यहाँ तक आने में एक मदद करेगा 41,690 के आसपास, मतलब यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो आप यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग वाली रैली में आपके यहाँ से सेलर्स भी आपके एक्टिव हो गए, और आपके यहाँ जो जो पुटर जो कि आपके जो पुट जो बाय करते हैं, जो जो पुट को जो नीचे लेकर जो सिनेरियो रहता है, वो यहाँ से आपको पुट को भी एंट्री करेंगे, जो एक यूज क्वांटिटी में आपके कॉल लेटर्स यहाँ पे एक्टिव होते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे। लेकिन मार्केट यूज देखोगे, एक आपका बुलिश मारुबोजु कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, एक आपको स्विंग के लिए कैप्चर करने में ये आपको बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा, और आपकी क्लोजिंग भी आपको इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा आप लोग को यहाँ पे क्लोजिंग पे देखने को मिली है। अगर मैं
इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे। इससे मैं थोड़ा सा अगर मैं एक आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं और बड़े टारगेट्स आप लोगों के लिए अगर ढूंढता हूँ तो मार्केट में आपको क्या दिखेगा। मार्केट में आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक आपको यहाँ पे नैरो रेंज दिख रहा है मार्केट में सीपीआर का। एक नैरो रेंज तभी बन के आता है मार्केट में, दो नैरो रेंज आप लोगों को दिख रहे हैं। नैरो रेंज तभी बन के आता है जब मार्केट में एक ह्यूज रेजिस्टेंस हो, एक आपका ह्यूज सपोर्ट बन के जब मार्केट आपका आता है। तो इस नैरो रेंज को अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कैप्चर करूँ तो इस लेवल के आसपास के एक आपका मार्केट में, अगर मार्केट वेडनेसडे वाले सेशन में अगर मार्केट अगर नीचे भी आता है तो डेफिनेटली आपके इस लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट यहाँ से डेफिनेटली आपको सपोर्ट लेने वाला है। क्यों सपोर्ट लेने वाला है, क्योंकि देखोगे तो इसी रेंज के आसपास, जब तक इस रेंज के आसपास बहुत 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 टाइम से बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके बाद एक आपको हैमर टाइप का कैंडल बना करके मार्केट यहाँ से एक सिंगल यहाँ से रैली किया, उसका तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर एक सिंगल रैली आप लोगों के साथ ऊपर की तरफ जाने के लिए आनी निकली है। मैं सेल साइड के लिए अगर मार्केट तभी प्लान करूंगा जब मार्केट अगर 42,000 के लेवल के आसपास खुल रहा है। अगर 42,000 के लेवल के आसपास खुल रहा है तो अगर इसकी इस लेवल के आसपास भी खुल रहा है तो मैं यहाँ से बाइंग के लिए सोचूंगा। इस लेवल के आसपास खुल रहा है 41,960 970 के आसपास अगर खुल रहा है तो मैं यहाँ से एक बाइंग के लिए सोचूंगा, जो कि आपको 42,000 तक का छोटा सा टारगेट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर का ब्रेकआउट कराए तो छोटी क्वांटिटी लेके चलेंगे, ज्यादा क्वांटिटी हम लोग लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि मार्केट आपका ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा। तो ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे आपके कॉल राइटर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा उसे उन्हें अट्रैक्ट करेगा, जो कि मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे ये मेरा लॉजिक था जो मैं यहाँ पे अपना जो मैं ट्रेड सेटअप प्लान करने वाला हूँ, आप लोगों को भी ट्रेड ट्रेड सेटअप प्लान करके दूंगा, जो उसमें आप लोग लिमिटेड क्वांटिटी अगर कॉल दे रहा हूँ तो लिमिटेड क्वांटिटी की ही लेकर के जाऊंगा। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकल रहा है या फिर आपका 41,690 के लेवल के मार्केट अगर नीचे निकला तो पहला प्रॉफिट मैं यहाँ तक यहाँ से बुक करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपका 41,500 के आसपास का एक आपका प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए यहाँ पे। और इस लेवल का भी ब्रेकडाउन करा था, जो कि आपके वेडनेसडे वाले सेशन में थोड़ा सा मुझे अभी के लिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपका एक नैरो सीपीआर रेंज बन के आ रहा है, ये आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज जरूर डिसाइड करना कि कॉल जब भी मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दे रही है तो आपका प्रीमियम का जो प्राइस है, आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस जो आपका प्रीमियम का है, उस प्रीमियम को हाई हो जाएगा तो वहां से उसमें जो है जो जितने भी कॉल राइटर्स हैं उन्हें वो प्रीमियम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। वो प्रीमियम डिके करने के लिए जरूर ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि मार्केट को एक रेंज में फंसाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, ताकि उन्हें प्रीमियम डिके का फायदा हो सके और मार्केट में टाइम एक्सपेंड हो सके, और एक नेक्स्ट लेवल के जाने के बाद वहां पे जैसे प्रीमियम डिके का उन्हें फायदा हो जाए तो अपनी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे। तो एक आपको शॉर्ट कमिंग रैली आपको वेडनेसडे वाले सेशन में एक फर्स्ट हाफ में ही ये वाली आपको रैली आप लोगों को कैप्चर होती हुई दिख जाएगी। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रही है तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन दे रही है, मार्केट में भी हमारा तो सिनेरियो गैप अप का भी था तो हमारा सिनेरियो गैप डाउन का भी हम लोग बना के चलेंगे ना। अगर मार्केट वेडनेसडे वाले सेशन में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, किस लेवल के आसपास ओपन हो रही है, तो ये भी आपको क्वेश्चन होनी चाहिए। मार्केट अगर गैप डाउन इस लेवल के आसपास या फिर आपके इस लेवल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल से अगर मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए लेवल अगर मार्क करूँ, ये देखो मार्केट अगर 41,542 से लेकर के 41,370 के आसपास अगर मार्केट गैप अप दे रही है तो ये रेंज आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह से वर्क करने वाला है। ये चीज आप लोग नोट डाउन कर रखना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह से वर्क करने वाला है। एज ए सपोर्ट यहाँ पे मार्केट अच्छा रिएक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट मार्केट प्रीवियस यहाँ से नीचे की तरफ आया था लेकिन यहीं से वी शेप रिकवरी करके मार्केट आपका ऊपर की तरफ गया है। ये चीज आप लोग नोट डाउन करके रखना। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दे रही है 41,371 के लेवल के आसपास का, तो आप लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। आपको तभी एंट्री करनी है जब मार्केट आपका 41,240 के लेवल के मार्केट अगर नीचे निकलता है तो आप लोग यहां से एंट्री करोगे। एक सेल साइड का प्लान करोगे, जो कि आपका टारगेट आएगा 41,050 के आसपास का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट मैं थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूंगा, जो कि आप लोगों का टारगेट निकलेगा 41,840 के आसपास का। इतना नीचे जाना अभी के लिए तो मार्केट का बहुत तो मुश्किल है, इतना नीचे मार्केट जाने नहीं वाला है। आपको सिर्फ कॉल के साइड का ही डिसाइड करना है और एक सपोर्ट की तरफ से डिसाइड करना है। मतलब ये रेंज आपका एक अच्छा खासा रेंज निकल कर रहा है आपको ट्रेड करने के लिए। मार्केट बस आपके रेंज में, मार्केट बस ये चीज डिसाइड करना, मार्केट को बस एक रेंज बाउंड ओपनिंग होनी चाहिए, मार्केट को फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। फ्लैट ओपनिंग होगी तो आपके यहाँ पे पुट राइटर्स को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज होंगे, पुट राइटर को यहाँ पे जो कि जो भी उन्हें अगर जैसे देखोगे तो उन्हें प्रीमियम डिके जो होता है वो प्रीमियम डिके को वहां से वो बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मार्केट जो भी प्रीमियम छोटा प्रीमियम है
उसे वो बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे बढ़ेगा तो उनका वो कॉल जो कि ट्रेडर्स हैं उन्हें उनका बढ़ने का भी प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर रेंज बाउंड है तो उन्हें गिरने का भी प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, निफ्टी में अगर मैं आप लोग को बात कर दूं, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग सबसे पहले चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे एक आपको एक रिजेक्शन वाला जोन दिख रहा है। मार्केट कहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है, देखो इस जोन के आसपास मार्केट प्रीवियस रिजेक्शन लिया था, मार्केट कितना अच्छा खासा एक बहुत ही अच्छा खासा ह्यूज क्वांटिटी में मार्केट नीचे गिरा था। उसके बाद दूसरी बार जब यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर से करेक्शन लेके नीचे आया, फिर दूसरी बार जब या तीसरी बार जब यहाँ पे फिर से आया तो फिर एक बहुत बड़ा ह्यूज क्वांटिटी में नीचे गिरा है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका दो स्ट्रांग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब एक ह्यूज सपोर्ट आपका यहाँ पे ये वर्क करने वाला है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका ये बन के आता है जो कि आपका 17,774, एक मिनट थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूंगा इसे, हाँ 17,755 के आसपास का एक आपका यूज मार्केट में सपोर्ट अभी के लिए दिखता हुआ मिल रहा है, जो कि मार्केट प्रीवियस जो रेजिस्टेंस आपका जो बन रहा था मार्केट का, ये सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट आपका एक ब्रेक करने के बाद सारे जो भी रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला इसका 18,113 का जो रेजिस्टेंस लेवल था इसे ब्रेक ब्रेकआउट कर चुका है अब मार्केट। अब हम चलेंगे इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं चलता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, अगर यहाँ पे देखोगे तो एक आपका यहाँ पे भी आपका एक बुलिश मारो बोजू कैंडल आपका बना हुआ है, जो कि आपका एक स्ट्रांग बाइंग का कंफर्मेशन आप लोगों को देता है कि मार्केट यहाँ से आपके एक बाइंग साइड का कंटिन्यू ट्रेंड आपको यहाँ पे मिल सकता है। मार्केट एक वी शेप रिकवरी करके मार्केट आपका ऊपर की साइड गया है, एक यूज आपको यहाँ से मार्केट सपोर्ट यहाँ से प्रोवाइड करने वाला है। एक सपोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, जो कि आपको एक मैक्सिमम सपोर्ट 18,156 के आसपास का सपोर्ट आपको यहाँ से मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि देखो तो प्रीवियस रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मार्केट इसी लेवल के आसपास दो बार एक फॉल्स ब्रेकआउट, फिर से फॉल्स ब्रेकआउट, मार्केट एक बार नीचे आया, फिर एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद फिर से वो सस्टेन किया, फिर से रेजिस्टेंस लेने के बाद उसके बाद इसका एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे एक बुलिश मारू बोजू इसके नीचे भी बनाया हुआ है, एक बुलिश मारू बोजू आपका यहाँ पे भी बना हुआ है, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है कि मार्केट आपका अपसाइड निकलने वाला है। एक आपका यूज आप यहाँ पे जा सकते हो कॉल के साइड के लिए। पहला रेजिस्टेंस जो आपको फेस करने को मिलेगा 18,260 के आसपास का, यहाँ कहीं अगर मार्केट इस जोन के अंदर ओपनिंग हो रहा है, इस जोन के अंदर मैं यहाँ पे मार्केट का ओपनिंग सोच रहा हूँ वेडनेसडे के दिन में, मार्केट अगर इस जोन के अंदर ओपनिंग दिया तो एक अच्छा खासा आप लोगों को टारगेट्स मिलेंगे कॉल के साइड के लिए। अगर मैं यहाँ पर आपको आप लोगों के लिए सीपीआर इंडिकेटर को फिर से एक्टिवेट करूं तो आपको टारगेट्स जो दिखने को मिल रहे हैं 18,344 के आसपास का एक टारगेट्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फिर इसके ऊपर के टारगेट्स आप लोगों के बहुत बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, जो कि हम लोग एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे क्या हमारे टारगेट्स वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने वाले हैं कि नहीं। देखो जैसे कि हम लोग सीपीआर इंडिकेटर बात किया था, इसी लेवल के आसपास देखो रिजेक्शन कैंडल है, तो एकदम एग्जैक्ट आपको सीपीआर ये चीज बताने वाला है कि सीपीआर आपको एकदम एग्जैक्ट चीजें बताती है कि कहाँ पे मार्केट पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीजें करनी चाहिए। उसके बाद सीपीआर ने आपको ये भी इंडिकेट किया कि मार्केट इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट जाने वाला है इसके ऊपर निकल गया तो, एक छोटा छोटा स्विंग है जो कि आवर्ली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक एक स्विंग आपका यहाँ पे है और एक स्विंग आपका जो एक मैक्सिमम जो हाई जो है इसके आसपास का स्विंग है, मतलब एक मैक्सिमम आप लोगों को यूज क्वांटिटी में आप लोग यहाँ पे निफ्टी में जा सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी का सिनेरियो मैंने आप लोगों को बता दिया, बैंक निफ्टी में लिमिटेड ही जाना। ठीक है, और फिर से हम लोग एक इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो एक आपको एक नैरो सीपीआर रेंज आपको थोड़ा नीचे मिल रहा है, मतलब मार्केट में क्या है थोड़ा सा एक आपको पैनिक वाला, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो कहाँ पे ओपन होनी चाहिए, कहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट गैप डाउन ओपन हो, मार्केट इस जोन के अंदर ही ओपन हो, मार्केट या तो गैप अप ओपन हो या तो इसके ऊपर ना जाए, और गैप डाउन ओपन हो तो इसके नीचे ना जाए। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो इसके नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको देखोगे तो इस जोन के आसपास का एक आपका सपोर्ट बन के आ रहा है, मार्केट यहां तक आने के बाद एक रिकवरी आप लोगों को एक ऊपर के साइड के दिख सकती है, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे आपका एक मैक्सिमम सपोर्ट आपके यहाँ से बन के आ रहा है, बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट यहीं से आपका ऊपर की तरफ गया है, फिर से यहाँ पे मार्केट आपका ऊपर की तरफ निकलता हुआ आप लोगों को इस जोन के आसपास दिख गया। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये लेवल आप लोगों के लिए लगा दे रहा हूँ, जो कि आपका लेवल निकल के आ रहा है 18,020 के आसपास का।
मार्केट इस जोन के अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो एक आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को मिल सकता है निफ्टी में, जो कि आपका 17,956 के आसपास का, और इसके नीचे भी निकला तो फिर एक बड़े टारगेट्स निकल के आते हैं जो कि आपका 17,870 के आसपास के टारगेट्स आप लोगों के निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट की तरफ। वर्ल्ड मार्केट हमें क्या सिनेरियो, क्या ट्रेड हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीज हम लोग वर्ल्ड मार्केट से भी थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर एसजीएक्स निफ्टी की अभी मैं बात करूं तो ये आपको अभी पॉजिटिव में दिख रहा है, 102 पॉइंट के आसपास का ये अभी आपको पॉजिटिव में चल रहा है। क्यों पॉजिटिव चल रहा है? क्योंकि डाउ जोन्स आपका 200 पॉइंट आपका रिकवर कर गया है, S&P 500 भी आपका रिकवरी मोड पे है, NASDAQ 100 भी आपका अभी रिकवरी मोड पे अभी अभी चल रहा है, ये तीनों मतलब आपका। इसलिए मैं आपको निफ्टी के जो एसजेक्स निफ्टी जो है वो आपको 103 पॉइंट के आसपास ये आपको थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो आपको ये फेस करता हुआ दिख रहा है। अगर यूरोपियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो यूरोपियन मार्केट में भी अभी के लिए हमें यहाँ पे तेजी बनती हुई दिख रही है। अगर थोड़ा सा हम लोग एशियंस मार्केट भी थोड़ा सा हम लोग नजर डालें तो एशियंस मार्केट में अगर देखोगे तो निकाई जो निकाई है आपकी वो 130 पॉइंट के आसपास की आपको अच्छी खासी, और हैंगसेंग देखोगे तो आपको अभी थोड़ा सा ये माइनस में चल रहा है, मतलब ये रिकवरी मोड पे में भी अभी चल रहा है, तो आपका ये भी थोड़ा सा रिकवर होने के चांसेस आपके यहाँ से बढ़ के आते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये चलेंगे, अब हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे कि हमें ऑप्स्ट्रा पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑप्स्ट्रा पे हमें कौन कौन से लेवल पे हम लोगों को हमें यूज क्वांटिटी में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखो एक यूज क्वांटिटी में जो आपका पुट राइटर जो अभी भी 18,000 के लेवल पे बैठा हुआ है, और आपका एक यूज क्वांटिटी में कॉल राइटर आपका 19,000 के लेवल के आसपास का आपका बैठा हुआ है, एक यूज क्वांटिटी में दोनों 99 लाख के आसपास का, मतलब आप समझ लो कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख या 20 लाख के आसपास होने की संभावना है। और यहाँ पे पुट राइटर को देखोगे जो कि आप अभी आपका 90 लाख के आसपास का है, अगर गैप अप ओपनिंग दे रही है तो ये आपके 95 लाख या फिर 1 करोड़ के आसपास की भी बढ़ने की संभावना यहाँ से अभी के लिए बढ़ के आ रही है। इसके बाद 18,000 के लेवल के बाद मार्केट में कहाँ सपोर्ट है, 18,100 के लेवल के आसपास का मार्केट में अभी के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट बन के आ रहा है, और 18,200 के आसपास का मार्केट की एक रेजिस्टेंस लेवल है आप लोगों का। 18,200 के लेवल का मार्केट क्लोजिंग भी आपके 18,202 के आसपास हुई है, मतलब अगर मार्केट को गैप अप ओपनिंग दिया तो ये सारे 18,200 के लेवल पे जितने भी कॉल राइटर्स हैं ये सारे ट्रैप होते हुए देखने को मिलेंगे, और ये आपको पुट राइटर्स जो भी कॉल राइटर्स हैं आपको शिफ्ट होते हुए दिख जाएंगे, या तो 18,300 के लेवल पे या तो फिर 18,400 के लेवल पे आप लोगों को यहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को एक रेंज मिल जाएगा, 200 पॉइंट का रेंज मिल जाएगा, जो कि आप लोग एक यूज क्वांटिटी में ट्रेड करके यहाँ से एक प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में अभी के लिए आप लोगों को 41,500 के लेवल पे अभी भी आपको यहाँ पे पुट राइटर्स यहाँ पे अभी आपको एक्टिव दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको पुट राइटर्स की संख्या यहाँ से आपको इंक्रीज होती हुई दिख रही है, लेकिन कॉल राइटर्स की संख्या आपको यहाँ से डिक्रीज होती हुई दिख रही है। क्यों डिक्रीज होती हुई दिख रही है? क्योंकि मार्केट अभी आपका ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या पुट राइटर्स अभी इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं कि यहाँ पे कॉल राइटर्स को ट्रैप करने के फुल मोमेंटम में अभी वो, इसलिए आपको ये पुट राइटर्स की संख्या यहाँ पे आपको इंक्रीज होती हुई दिख रही है और कॉल राइटर्स की आपको डिक्रीज होती हुई दिख रही है। तो जैसे ही अगर मार्केट मंडे वाले सेशन में अगर गैप अप ओपनिंग दे रहा है, गैप अप ओपनिंग दे रहा है, अगर 42,000 के लेवल के आसपास अगर मार्केट अगर ओपन दे रहा है तो यहाँ पे आपका एक यूज क्वांटिटी में पुट राइटर कॉल राइटर यहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि आपका 20 लाख के आसपास का कॉल राइटर है, जो कि इसे ट्रैप होने के लिए नहीं देगा, यहाँ पे वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करने की कोशिश जरूर करेंगे, जैसा कि लॉजिक मैंने आप लोगों से शेयर किया है, ये लॉजिक आपका यहाँ पे आपका वर्क करने वाला है। मे बी 100% भी वर्क कर सकता है, मे बी नहीं तो 50% भी वर्क कर सकता है, मार्केट है, मार्केट प्रिडिक्ट होता है, तो प्रिडिक्ट होने के बाद मार्केट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और अगर 41,500 के आसपास अगर देखोगे तो उसके बाद एक मैसिव आप लोगों को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है अभी 41,700 के आसपास का, मार्केट की क्लोजिंग अगर हम लोग देखने की कोशिश करें मार्केट की क्लोजिंग किस साइड हुई है, अगर मार्केट की क्लोजिंग देखोगे तो 41,686 के आसपास, मतलब ये वाला आपका 41,700 के लेवल का जो कॉल एड्रेस है थोड़ा सा अभी भी यहाँ से एग्रेसिव है, जो कि एक अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया तो ये आपका ट्रैप होगा, ट्रैप होने के बाद 41,800 का भी ट्रैप होने के चांसेस है, और 41,900 के आसपास तो कोई उतना ज्यादा कॉल लेटर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं है, जितना कि आपके 42,000 के आसपास का कॉल लेटर यहाँ पे आपका एक्टिव है। अगर 42,000 के लेवल के आसपास है तो यहाँ पे आप लोग को पुट की प्लानिंग करनी है, ना कि कॉल की प्लानिंग करनी है।
चलो आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक कर लेना, चैनल को, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के एक टाइम के लिए जरूर ज्वाइन हो जाना। वहां पे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी ट्रेड आप लोगों के शेयर करते रहता हूँ, बहुत सारे लेवल्स आप लोगों को वहां पे शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय।